सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टो हेल्थ केयर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मधुमक्खियों के द्वारा शहद कैसे बनाया जाता है और मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती है। कर्मचारी मधुमक्खियां एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत शहद का निर्माण करती है। दोस्तों, बहुत सारी मधुमक्खियां जरूरी है इसमें, क्योंकि कोई एक मधुमक्खी टीम के अन्य सदस्यों के बिना शहद का निर्माण नहीं कर सकती है। संक्षेप में, संचरण मधुमक्खिया का फूलों का रस चूसकर इसे अपने दूसरे विशेष पेट में रखती है और उड़कर वापस सतह पर आ जाती है, और सतह पर आने के बाद वे इस रस को चबाने वाली मधुमक्खियों को देती है। चबाने वाली मधुमक्खिया रस इकट्ठा करती है और इसे लगभग 30 मिनट तक चबाती है। चबाने के दौरान उसके एंजाइम रस को एक ऐसे पदार्थ में बदलते है जिसमें पानी के साथ शहद शामिल होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि चबाने के बाद कर्मचारी मधुमक्खियां उस पदार्थ को मधुकोशों में डाल देती है ताकि पानी वाष्प बनकर उड़ जाए, जिससे शहद कम पतला होता है। मधुमक्खियां अपने पंखों में हवा करके पानी के साथ वाष्पीकरण की प्रक्रिया के तेज करती है और शहद का उत्पादन समाप्त होने के बाद दूसरी मधुमक्खियां मोम के छत्ते के ऊपर कोशों को बंद कर देती है, क्योंकि ऐसा करने से उत्पाद सुरक्षित रहता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मधुमक्खियां अपने उत्पादनों को अपने प्रयोग के लिए निर्मित और संग्रहित करती है। सर्दी और अन्य अवधियों के दौरान जब पराग उपलब्ध नहीं होता है तो वो शहद खाकर जिंदा रह सकती है। मधुमक्खियां पालन करने वाले लोग वास्तव में शहद लेते समय उनके इस आपातकालीन भंडार के लिए एक हिस्से को चुराते हैं, लेकिन एक उचित मात्रा में शहद एकत्रित करने पर मधुमक्खियां मनुष्यों द्वारा ली गई शहद की मात्रा दोबारा उत्पन्न करके इसकी भरपाई कर लेगी और इस प्रकार के बिना किसी समस्या के अपना जीवन चक्र जारी रख सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब एक नया वीडियो लेके आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फ्रेंड्स।